हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का भी टॉपिक Rhino 7 के ऊपर है। आप उसमें डायमंड कैसे बिठा सकते हैं। वैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर में तो पॉसिबल नहीं है कि आप मैट्रिक्स की तरह डायमंड बिठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे Rhino 7 को ओपन कर लेता हूँ, तो अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो 7 का जो ओल्ड वर्जन है उसके अंदर भी ये चीज़ हो सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसके अंदर कुछ मैट्रिक्स के टूल्स अगर Rhino 7 में इंस्टॉल करने हैं वो मैंने प्रोसेस बता रखा, और कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी मैंने बता रखा है। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ये इंस्टॉल है, यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं, यहाँ पे सारे टूल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आपको अगर आपके ये शो नहीं करता है तो आपको वाली वीडियो देखनी होगी, उसके लिए आपको मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं बिठा बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे डायमंड कैसे बिठाना है। तो जैसे मेरे पास अभी कोई प्रोजेक्ट मेरा बना हुआ नहीं है ऑलरेडी, तो आपके पास अगर बना हुआ है तो उसमें बिठा लीजिए। बाकी मैं यहाँ पे आपको एक पॉली सरफेस के ऊपर लेके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक पॉली सरफेस बना लेता हूँ नॉर्मल, जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए। तो इस पॉली सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ज्वेलरी सेटिंग में जाना है। यहाँ पे जी गोल्ड है, फिर ये ज्वेलरी सेटिंग है, पावे वगैरह। आपको सिर्फ ये मेरा यहाँ पे डायमंड का, डायमंड के ऊपर वीडियो तो मैं सिर्फ आपको डायमंड ही बताऊंगा, फिर इन फ्यूचर आगे एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर। तो ज्वेलरी सेटिंग पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेम ऑन सरफेस वाला ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो जब ये वेट देख देख सकते हैं कि, लेकिन ये मैंने ना ऑलरेडी सेटिंग कर रखा है इसलिए ऑटोमेटिक है इसका, ये वाला ग्रास ऑपर का ये फाइल ना मिनिमाइज हो गया। तो ये मिनिमाइज़ नहीं होगा स्टार्टिंग में, आपको ये मिनिमाइज़ करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए आपको सिंपली इसको ऐसे ड्रैग करके इसको छोटा कर देना और इसको क्लोज कर देना है, और इसको आप कहीं भी एक जगह पे सेट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कॉर्नर में सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद देख सकते हैं कि ये जेम ऑन ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे खुल गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉली सरफेस को सिलेक्ट करना है, फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको सर्कल ऑन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको फिर से आपको पॉली सरफेस को सिलेक्ट करना है, तब करोगे तो उसके बाद ये वाला आपका ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। इसके अंदर इन्होंने डिफॉल्ट साइज दे रखा है डायमंड का, स्टोन का 1 mm दे रखा है, और ऑफसेट का 0.15 दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो भी साइज लेना है स्टोन का, तो आप यहाँ पे साइज को बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई एक साइज ले लेता हूँ, 1.5 का ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1.5 जस्ट लिख देता हूँ, लिख के एंटर करके आप देख सकते हैं कि साइज चेंज हो गया है। अगर आपको ऑफसेट चेंज करना है, आपका ऑफसेट क्या होता है कि जो जो डायमंड के बीच का जो गैप है उसको आपको कैसे छोटा कम बड़ा करना है, जो भी मेजरमेंट देना है आप वहाँ यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट में 0.2 दे देता हूँ, या फिर 0.15 में डिफॉल्ट ही रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ डायमंड में आपको बिठा के दिखा देता हूँ कि आपको ऐसे बिठाना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायमंड मैंने यहाँ पे बिठा दिया सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर। तो फिर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है एक बार। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, और राइट क्लिक करना जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट क्रिएट पे क्लिक कर दोगे तो फिर ये डायमंड नहीं बैठेगा, फिर आपको दोबारा से बैठाना पड़ेगा, इसलिए फिर राइट क्लिक करके फिर आप क्रिएट कीजिए। तो मैंने यहाँ क्रिएट करके फिर इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब इसमें प्रॉन्ग बिठाना है। प्रॉन्ग बिठाने के लिए भी सेम वही तरीका यूज़ करना है आपको। प्रॉन्ग के लिए यहाँ पे प्रॉन्ग के बाद इसमें जाना है, फिर वो ग्रास ऊपर ऑलरेडी आपका मिनिमाइज है इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आया है, तो ये मिनिमाइज हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर सेम वही प्रोसेस करना है, इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है, फिर सर्कल ऑन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको फिर पॉली सरफेस को सिलेक्ट करना है। करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने हाइट दे रखी है, यहाँ पे इन्होंने ये ड्रॉप साइज दे रखा है, मतलब अब मेटल के अंदर कितना डिप होना चाहिए वो दे रखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इन्होंने एंगल दे रखा है, यहाँ पे फिलेट का ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने। जो भी आपको सेटिंग करना है आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रॉन्ग की हाइट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं 0.7 या 0.8 कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ हाइट बढ़ा दिया। बाकी प्रॉन्ग का साइज़ अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैंने प्रॉन्ग का साइज़ मैंने 0.65 ले लिया, तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉन्ग का साइज़ आ गया। अगर आपको ऑफसेट बढ़ाना है तो आप ऑफसेट बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको फ्लैट करना है तो फ्लैट कर सकते हैं। मैं बाकी कोई सेटिंग नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ पर ये प्रॉन्ग बिठा देता हूँ। आपको ऐसे करके बिठा लेना है ऐसे, जैसे आप बिठाते हैं आप अपने हिसाब से बिठा लीजिए। बस मेरे को आपको तरीका बताना था, मैंने वो बता दिया आपको। तो ऐसे करके प्रॉपर बिठाने के बाद आपको एक बार राइट क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर बैठ गया है।
इसमें और भी आपको बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। यहाँ पे डायमंड साइज मिल जाएगा, डायमंड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये डायमंड आ गया है। यहाँ पे डायमंड ले सकते हैं आप, कोई सा भी डायमंड का भी ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में और वीडियो बना दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और आगे के वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।